हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ डेलगोना कॉफ़ी रेसिपी, जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है। आप हर पोस्ट में, इंस्टाग्राम पोस्ट, यूट्यूब पोस्ट, इंटरनेट पे देख सकते हैं, लोग इसे ट्राई कर रहे हैं अपने घर पे और इसके पिक्चर्स, इसके वीडियोस सेंड कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि मैं भी इसको ट्राई करती हूँ और आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से इस कॉफ़ी को बना रही हूँ। इस वीडियो में खास बात ये रहेगी कि मैं आपको टाइमिंग भी शो करूँगी कि अगर हम हैंड विस्कर को यूज़ करते हुए इस कॉफ़ी को बनाते हैं, इसको आप इलेक्ट्रिक बीटर और हैंड विस्कर या फोक के हेल्प से बना सकते हैं। मैं यहाँ पे हैंड विस्कर का यूज़ करूँगी और कितने टाइम पे ये कॉफ़ी रेडी हो जाती है वो मैं आपको बताऊँगी। ये कॉफ़ी टेस्ट में मुझे सेम लगी, नथिंग डिफरेंट। और इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल कैपेचिनो जैसा है, जैसे ऊपर क्रीमी टेक्सचर आता है और नीचे हमारा जो कॉफ़ी का एक स्वीटनेस रहती है वो बिल्कुल सेम वैसा ही है। बट डिफरेंस ये है कि इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं हम अपनी डेलगोना कॉफ़ी विथ फुल रेसिपी एंड टाइमिंग। तो डेलगोना कॉफ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे कॉफ़ी पाउडर। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ नेस्कैफे क्लासिक इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर। आप जो भी प्रेफर करते हैं, ब्रू प्रेफर करते हैं तो आप ब्रू भी ले सकते हैं, जो भी ब्रांड प्रेफर करते हैं। यहाँ पे पाउडर की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच शुगर। यहाँ पर जो शुगर है हमें ग्रैनुल्स वाले लेने हैं, बिल्कुल भी पिसी हुई शुगर, पाउडर शुगर नहीं इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच गरम पानी, गरम या वार्म वाटर, आपको ठंडा पानी नहीं, गरम पानी लेना है। और देखिएगा तीनों जो रेशियो है वो इक्वल है। अगर मैंने 2 चम्मच कॉफ़ी लिया है तो 2 चम्मच शुगर और 2 चम्मच पानी, तो हमारा इसका जो रेशियो है वो 1:1:1 है। और तीनों को हम अब विस्क करेंगे। तो चलिए विस्क करने से पहले मैं यहाँ पर जो टाइम क्लॉक है, स्टॉप वॉच है, वो रेडी कर लेती हूँ, ताकि हमें टाइमिंग भी साथ में पता लगे कि कितने मिनट में ये कॉफ़ी जो है हमारी बनके तैयार होती है। तो मैंने यहाँ पे विस्क करना स्टार्ट कर दिया है। मैं कंटिन्यूसली विस्क करूँगी और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कितने मिनट में ये जो हमारा जो क्रीमी टेक्सचर बन जाता है वो कितने मिनट पे तैयार होता है। तो चलिए बस इसको विस्क 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 करते हैं और जब ये पूरा फॉर्म में आ जाएगा तब हम बात करते हैं। होने वाले हैं और देखिए ये अभी बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी में आ गया, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में आ गया है। और हमें इसी फॉर्म में लेकर आना है, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, टेक्सचर भी चेंज हो जाएगा और ये बहुत ऐसे पीक फॉर्म में, क्रीमी फॉर्म और पीक्स बनने लग जाएंगे। तब तक हमें इसे फेंटना है। जब आप इलेक्ट्रिक बीटर से इसे फेंटते हैं तो ये और भी कम टाइम पे ये अच्छे से फेंट जाता है, जिससे हम क्रीम जो केक की आइसिंग वगैरह बनाते हैं उस बीटर से। और अगर आप हैंड विस्कर से कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 5 मिनट से 6 मिनट लगते ही हैं, और अगर आप फोक से कर रहे हैं तो 8 से 10 मिनट लग जाता है। तो मैंने थोड़ा सा और इसको फेंट लिया है और यहाँ पे जो हमारा क्रीमी डेलगोना कॉफ़ी है वो बिल्कुल तैयार है, अब इसे हम सर्व करेंगे। तो इसको आप कोल्ड कॉफ़ी और हॉट कॉफ़ी दोनों टाइप से बना सकते हैं, क्योंकि अभी मौसम ऐसा चल रहा है कि ठंडा हम लोग खाना पीना प्रेफर नहीं करते हैं। तो मैं हॉट कॉफ़ी बनाऊंगी और टाइमिंग देखिए यहाँ पर 6 मिनट में मेरा दूध भी बॉयल हो गया, ये भी बन गया था, मतलब ऑलमोस्ट 6-7 मिनट में आपकी ये कॉफ़ी बन के तैयार हो जाती है। और देखिए कितना क्रीमी इसका जो कंसिस्टेंसी, कितनी क्रीमी आई है। तो अब मैं दूध को ग्लास में पोर करती हूँ और बनाती हूँ।
मैंने यहाँ पे ले लिया है हॉट मिल्क, और इसे आप कोल्ड मिल्क में भी बना सकते हैं थोड़ा सा आइस क्यूब डाल के। और अब मैं क्या करूँगी, इसमें ये जो क्रीम हमने तैयार किया है कॉफ़ी शुगर और पानी से, वो उसमें हम पोर कर देंगे। और इस मिल्क में मैंने बिल्कुल भी शुगर ऐड नहीं किया है, जो हमने इसमें शुगर 2 टेबल स्पून ली थी उससे काफ़ी स्वीटनेस आ जाती है कॉफ़ी में। और इसकी जो पहचान है वो ये कि अगर ये क्रीम दूध में हम डालते हैं और फ्लोट होने लगे, दैट मीन्स ये क्रीम बहुत ही बढ़िया फिटी है। और अगर ये ड्रॉप हो जाए मिल्क में, दैट मीन्स इसको और फेंटना था। बट देखिए ये कितने अच्छे से ऊपर फ्लोट हो रही, काफ़ी क्रीमी आइसक्रीम जैसा टेक्सचर आ रहा है। तो बस आप हम इसे डाल देंगे और थोड़ा सा कॉफ़ी से इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। तो बिल्कुल रेडी है, मैंने थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर इस पे ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। आप चाहे तो चॉकलेट सिरप या चॉकलेट पाउडर भी इस पे डाल सकते हैं फॉर मोर चॉकलेटी टेस्ट। और इसका जो प्रेजेंटेशन मैं बोल रही थी ना कि थोड़ा डिफरेंट है, इट्स टाइप की लेयरिंग प्रेजेंटेशन इसका रहता है, लेयर दिखती है और टेस्ट में बहुत ही क्रीमी, बहुत ही रिच लगता है। तो इट्स अ हाईली रिकमेंडेशन कि इसे आप घर पर ज़रूर बनाएं, अभी काफ़ी टाइम है आपके पास, तो इसे ज़रूर ट्राई करें घर पर। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप यहीं पे एंड करते हैं, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, गुड बाय।